सो दिस इज अवर चैप्टर नेम. तो कोई बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स का मैं बात इंग्लिश में बोले बेटा प्लीज. जो हम काउंट कर सकते हैं और जो चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन्स? ये तो बहुत ही इजी है, नाउन्स तो आना ही चाहिए. मीनिंग ऑफ नाउन्स सिंपल. एनीवन सर टेल मी द मीनिंग ऑफ नाउन. इतना इजी नहीं पता. ये काउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल आता है, लेकिन नाउन का मीनिंग नहीं आता तुमको. नाउन मीन्स बेटा अ नेम, ठीक है. रिमेम्बर क्या होता है नेम, चाहे बेटा वो कोई भी चीज का नेम हो. जैसे कौन कौन सी चीज आएगी नेम के अंदर बेटा, हम किन किन चीजों को नेम से बुलाते हैं बोलो. यस पर्सन एनिमल और थिंग्स, वेरी गुड. दैट इज वी कॉल नाउन. ओके सो एनी काइंड ऑफ नेम दैट इज गिवन टू अस दैट इज कॉल्ड नाउन. ओके एनी काइंड ऑफ नेम. फॉर एग्जाम्पल बेटा जब छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बॉर्न होता है, एनी चाइल्ड वॉज बॉर्न, तो उसको क्या दिया जाता है बेटा, नाम दिया जाता है. एनी काइंड ऑफ नेम. फॉर एग्जाम्पल किसी ने अहमद रखा, किसी ने सुफियान रखा, कोई गर्ल है तो फातिमा रखा. ओके देन बहुत सारे डिफरेंट नाम हमको पता ही है. ओके सो वी कैन नाउन मीन वी कैन काउंट, वी कैन नेम एनी थिंग. ओके तो अब नाउन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको बहुत ही अच्छा तरीका है हमको याद रखने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मीनिंग. देखो यहाँ पे से सिर्फ एबल निकाल दे तो क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट मेरी उंगली वहां पे है तो क्या दिख रहा है बेटा, मैंने जहां पे फिंगर रखी हुई है मैं वो चीज छुपा रहा हूं. काउंट, काउंट मीन्स बेटा जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे मैं एबल इसमें से भी निकाल दू अगर तो क्या हो गया अनकाउंट. तो जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते. ओके सो दैट मीन जो नाउन, जो नेम या जो चीजें या पर्सन एनिमल थिंग्स जो भी है जो हम काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. और जिस चीज हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. ओके नाउ आई विल स्टार्ट ओवर हियर. ओके एज वी ऑलरेडी नो काउंटेबल नाउन आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट. ओके तो काउंटेबल नाउन क्या होते बेटा, जो हम लोग काउंट कर सकते हैं. ओके यही चीज मैंने हमने अपने ऊपर भी सीखी, यहाँ पे भी मैंने वही बताया. वेरी गुड बेटा, जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो कोई बात नहीं. सो थिंग्स दैट वी कैन काउंट, तो जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. ओके ओके नाउ सी दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स एनी वन बेटा, एनी काइंड ऑफ, कुछ भी सोच में बेटा तुम्हारे अंदर दिमाग में जो भी आता हो बोलो. सिंगुलर मीन्स वॉट, आंसर इट बेटा. यू डोंट नो सिंगुलर मीन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल. इतनी जल्दी भूल गए सेवन स्टैंडर्ड में आके बच्चों. ओके सिंगुलर मीन्स फॉर सिंगल पर्सन, ठीक है. दे कैन बी सिंगुलर मतलब एक नाम भी हो सकता है और प्लूरल. सो मोर देन वन, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा भी नेम हो सकते हैं. ओके सो मीन्स के सिंगुलर मीन्स एक होगा या तो एक से ज्यादा, ठीक है. जब अब हम कब गिनेंगे बेटा, काउंट कब कर सकते हैं हम लोग कोई भी चीज, जब वह तो एक होगी तो बोलेगी अ पेन. जैसे ये एक पेन है, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारी इमेजिन करो, यहाँ पे बहुत सारी पेन है तो देर आर फाइव पेन, तो उसको काउंट कर सकते हैं ना. पेन कितनी है यहाँ पे, इमेजिन करो कितनी पेन है यहाँ पे. अभी वन है लेकिन इमेजिन करो. हाँ वेरी गुड, कितनी पेन है बेटा, फाइव पेन है, ठीक है. फाइव पेन है, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग क्या है सिंगुलर और प्लूरल नाउन कर सकते हैं. ओके नाउ कलेक्टिव नाउन्स दैट
नेम अ ग्रुप और ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो काउंटेबल नाउन. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे, कोई एक ग्रुप को हमने कोई नेम दिया हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा किस चीज को, कौन से ग्रुप को हम नेम देते हैं, इट इज वेरी इजी एग्जाम्पल. आप लोग देखोगे या सोचोगे तो क्रिकेट की क्या होती है, क्रिकेट की क्या होती बेटा, नो जो 11 लोग मिलके खेलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टीम. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड टीम. ठीक है, तो इट मीन्स दैट क्रिकेट के क्या होती बच्चों, वहां पे टीम होती है. तो टीम मतलब क्या है, एक ग्रुप है. ठीक है, ग्रुप को एक नाम दिया गया है. ठीक है, 11 लोगों का ग्रुप है उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड टीम. दैट इज वाई वी आर यूजिंग कलेक्टिव नाउन. तो जो कलेक्टिव नाउन भी होते बेटा हम लोग उसको गिन सकते हैं, इसीलिए वो क्या आएगा, काउंटेबल नाउन में आएगा. ओके, नाउ हियर इज एग्जाम्पल फॉर रिबन. तो रिबन मीन देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा रिबन. ठीक है, तो रिबन मतलब क्या होता है बेटा, जो हम लोग बर्थडे वगैरह केक पे हम लोग क्या है रिबन वगैरह बांधते हैं. ओके, विश करने के लिए. तो एक रिबन का रोल है, एक रिबन देख सकते हैं बेटा, एक रिबन का रोल है. बहुत सारे रोल्स होंगे तो रिबन्स हो जाएगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारी रिबन्स हो सकती है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका सिंगुलर और प्लूरल करेंगे. देखो यहाँ रिबन है बेटा, इसको प्लूरल करने के लिए इसमें क्या चेंज हुआ, कोई बोलेगा, चेंज क्या हुआ बेटा, दोनों वर्ड में क्या फर्क है वो बताओ मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. यस, वेरी गुड. ज्यादातर यस बेटा, ज्यादातर नेम्स में या हम लोग नाउन्स में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर एस ऐड कर देंगे. तो हमारा क्या, हाँ हमारा क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा. ठीक है, वो प्लूरल बन जाएगा. ठीक है, सिंगुलर का एक यानी एक हो जाएगा, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन एक से ज्यादा. ठीक है, तो इस तरह हम लोग करेंगे. नाउ फेदर, फेदर मतलब क्या हुआ, एनीवन, पंख. वेरी गुड, कबूतर वगैरह आपने देखोगे कि मोर देखा होगा, मोर का पंख होता है. ओके, जो कबूतर का हम लोग रेगुलर देखते रहते, मोर का नहीं देख पाते, तो कबूतर के अंदर वो क्या है, व्हाइट कलर का वो होता है. ठीक है, तो फेदर हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे फेदर्स हो गया. तो हमने क्या किया, प्लूरल बनाने के लिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर दिया. ठीक है, नाउ टीम, मैंने अभी बोला टीम होती है. ओके, फॉर एग्जांपल मान लो बेटा क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है. ठीक है, तो बहुत सारी टीम्स उसमें खेल रही है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे. टीम का क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल बेटा, प्लूरल नहीं प्लूरल. ठीक है, तो मतलब टीम्स हो जाएगी. ठीक है, तो टीम एक है बेटा, एक टीम होती है, इंडिया की टीम है. अब वर्ल्ड कप चल रहा है बेटा, तो बहुत सारे क्या होगी वहां पे, बहुत सारी टीम्स होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या है, प्लूरल का यूज करेंगे टीम. तो हम लोग टीम्स गिन सकते हैं, कितनी टीम वर्ल्ड कप में खेलती है, कोई बोलेगा, अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है बेटा तो कितनी टीम्स खेलती है उसमें, हाउ मेनी टीम्स, नो, यस, मे बी 12 और कभी कभी क्या होता है 10 टीम्स भी होती है. ओके, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे को दिया गया है. तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है. टीम क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है. ओके, नाउ बंच, बंच क्या होगा बेटा, किसी एक चीज का बंच रखा हुआ है. जैसे पेन है, एक साथ 10 पेन हमको एक पैकेट में मिलती है. ओके, तो पेन को हम लोग बंच, पेन का बंच बोल सकते हैं. ऐसे ही 10 बंचेस रखे हुए हैं, एक एक बंच में बेटा 10 पेन है, 10 बंचेस है, तो कितनी होगी हमारी, 100 पेन्स होगी. तो इस तरह से हमारी बंच का बंचेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है. ओके, नाउ वी विल सी अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोस दैट वी कैन नॉट काउंट. तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से है बच्चों, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन नॉट काउंट. ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज है बच्चा, आप लोग बोलोगे बिना एग्जांपल दिए, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप लोग ही बोलो, कौन सी ऐसी चीज है जो हम काउंट नहीं कर सकते. नंबर काउंट कर सकते बेटा, क्यों नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा 5 पेन है तो 5 नंबर हुए कि नहीं, 5 हम लोग काउंट कर सकते ना. हाँ, तो कौन किसको बेटा, फिर से बोलो, हेयर को काउंट नहीं कर सकते. वेरी गुड, इसके अलावा यस बेटा, बहुत बहुत अच्छे, आमिर मुल्तानी, वाटर, वेरी गुड बेटा,
वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बेटा बीच में मत बोलो क्लास में, हाँ बोलो बोलो बच्चे। ओके नाउ सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। फर्स्ट देखो शुगर वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सॉल्ट वेरी गुड। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल सुनो अब मेरी बात बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यू बोलूँ कि ये नदी में कितना पानी है गिन कर आओ, तो हम लोग गिन पाएंगे बच्चों वहाँ पे? नो। तो वाटर भी क्या है बेटा, एक नेम है। अगर वो पर्टिकुलर नेम है वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं वाटर बोलूंगा तो आपको पानी ही याद आएगा, ना कि मिल्क याद आएगा। ओके सो दैट मीन्स वी कैन नॉट काउंट वाटर। ओके नाउ दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर होते। क्यों? क्योंकि उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते इसीलिए। ठीक है, वो हमेशा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, क्यों सिंगुलर है बेटा? क्योंकि हम उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि हम उसे काउंट कर ही नहीं सकते। काउंट कर सकते उस चीज को हम? नो। जिस चीज को हम काउंट करेंगे उसी का ही प्लूरल बनेगा बेटा। जिसको हम गिन सकते उसी का प्लूरल बनेगा, ना कि जिसे हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल बनेगा। ओके नाउ सी अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, नेचुरल फिनोमिना, डोंट डिस्टर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एक्सेट्रा। ओके तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, हम लोग को क्या है जो होती है वो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे देखो। फर्स्ट इंक्लूड सॉलिड, सॉलिड मतलब जो भी हार्ड मेटल होता है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे। लिक्विड तो जो भी लिक्विड्स है, जैसे कि बेटा इंक हो गई, वाटर हो गया, फिर मिल्क हो गया। ओके फिर देन गैसेस, तो गैस जो होते बेटा डिफरेंट डिफरेंट गैस होते हैं, तो गैसेस हम काउंट नहीं कर सकते। नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना बेटा मतलब कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में ट्री कितने हैं हम गिन नहीं सकते। ओके देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी फीलिंग्स है, हमको ठंडी लग रही है बेटा, कोल्ड है, तो कोल्ड कितनी है उसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, कि कितनी ठंडी हमको लग रही है। ओके हमारे बॉडी को कितनी वो लग रही है। ओके ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, तो सीखने की जगह कितनी है, जैसे स्कूल्स हो गए बेटा, ट्यूशन क्लासेस हो गए, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, या पूरे इंडिया में, या पूरे सूरत में कितने, इससे हम काउंट नहीं कर सकते एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। ओके सो वी हैव सम एग्जांपल ओवर हियर, शुगर, शुगर बेटा छोटे छोटे दाने होते हैं हमारे, तो शुगर हम काउंट नहीं कर सकते। देन इंक, इंक जो होती है बेटा देखो यहाँ पे इस पेन में कितनी इंक है, ये तो सिर्फ हमको पता है कि यहाँ पे इतनी दिख रही है, लेकिन हम इसको माप सकते हैं कि ये 1 लीटर की इंक है, 2 लीटर की इंक है, 5 लीटर है, या 1% है, 5% है, ऐसा हम इसको माप नहीं सकते। देन स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, धुआं कहाँ से कितना निकलता है, कितना होता है, ये भी हम काउंट नहीं कर सकते। देन लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है बेटा, जो बिजली वगैरह कड़कती है, ठीक है, कितनी बिजली कड़की, कब कड़की, कब कड़की, वो हमको पता चल सकता है कि लाइटनिंग कब हुई, ठीक है, लेकिन हमको क्या है कितनी हुई वो पता नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, हमारी आज़ादी कितनी है, हमको कितना वो बांध के रखा जाता है, या कितना बाहर देने को बोला जाता है। ओके अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स जो भी केमिस्ट्रीज होती है, जो भी चीज़ें होती है जिसमें केमिकल वगैरह यूज होते हैं, तो कितने हैं कितना नहीं है वो हम लोग क्या है बेटा काउंट नहीं कर सकते। ओके नाउ वी विल सी ओवर हियर, लेट अस लुक एट दिस टेबल टू रिमेंबर द डिटरमाइनर दैट आर यूजली यूज विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ कुछ चीज़ें बेटा जो हम लोग जो है डिटरमाइनर्स जिसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे है ए एंड द, ये क्या हो गए आर्टिकल्स हो गए, यहाँ पे डिटरमाइनर्स दिए गए हैं, तो वो क्या है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। कब यूज होगे बेटा, काउंटेबल नाउन के साथ ये चीजें क्या होगी, ये टेबल के अंदर दिखाया गया है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ओके फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो चीजें हैं बच्चों वो क्या है, हम लोग सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ ट्री, अ ट्री मीन्स ओनली वन ट्री, कितना होगा ओनली वन, कितना बेटा, अ ट्री मीन्स ओनली वन। एन आइडिया, ठीक है बेटा मैसेज नहीं करना है आप लोग को क्लास में, आई नो, ठीक है। एन आइडिया, तो एक आइडिया है, तो यहाँ पे अ क्यों लिखा और यहाँ पे एन क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा आई जो है, ये हमारा क्या है बच्चों,
क्या हो सकता है ये आई जो है, आई नो क्या हो सकता है बच्चों, वोवेल है। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा के बी सी डी में 26 अल्फाबेट से उसमें 21 जो है कॉन्सोनेंट है और 5 जो है वोवेल है। तो वो 5 कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू। ओके, एन आइडिया, तो जब भी ए ई आई ओ यू आएगा वर्ड तो उसके आगे हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, ए एन एन लगाना है, एन आइडिया, एन आइसक्रीम, एन एप्पल। ठीक है, इस तरह से एन लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डोर। तो जब भी हम कोई भी स्पेशल चीज की बात करते हैं या स्पेशली उसको उसी के बारे में बात करते हैं तो वो टाइम हम लोग ध यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, ध का यूज करते हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स है बेटा, इनका हम यूज करते हैं बेटा काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, नाउ हम यहाँ पे दिया गया है, नाउ सी, सम, मेनी, एनी, फ्यू, अ फ्यू, अ लॉट, लॉट्स, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाउ मेनी, दीज, अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, इनफ, प्लेंटी ऑफ। ओके, तो ये मैं समझाता हूँ कि कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे सम बुक्स, कुछ किताबें हैं, बुक्स मतलब किताबें, पुस्तकों हम लोग गुजराती में जिसको बोलते हैं सम बुक्स। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं यूँ बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मेरे पास 3-4 बुक्स है, अगर आपको वो काउंट दूर खड़े आप लोग ऐसे करके, ठीक है, और आप ऐसे देख रहे हो, देखो यहाँ पे टेबल के थ्रू आप ऐसे देख रहे हो, वहाँ पे आप लोग गिन नहीं पा रहे हो कितनी है। तो हम लोग वो टाइम पे क्या यूज कर सकते हैं, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स लगे लिखेंगे बेटा, क्योंकि एक नहीं है, एक से ज्यादा है। ओके, लेकिन जब सिंगुलर में कैसा होगा बच्चों, कि हम लोग को सिंगुलर का यूज करना है, तो अगर यूं भी देखे तो भी चलेगा, देयर इज वन बुक ऑन द टेबल। ओके, तो एक बुक है, ठीक है। वैसे ही बच्चों हम लोग दूसरी चीज देखते, दूसरा एग्जाम्पल, मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है। देखो हमेशा बेटा ये सब चीजें यूज होगी, लॉट्स ऑफ, ये सब चीजें जो है बेटा ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगी, याद रखना। एक से ज्यादा जब चीजें होंगी तो क्या किस लिए यूज होगी बेटा, प्लूरल के लिए। सम बुक्स, सम में कितना हुआ, कुछ बुक्स है वहां पे, मतलब कुछ है, एक नहीं है बेटा, एक होगी तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, अ बुक, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा होगी जब, और आप वो गिन नहीं सकते दूर खड़े हो या देख रहे हो सिर्फ कि हाँ अंदाज से बताना है हमको, ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है उसके अंदाज से बताना है कि यहाँ इतना हो सकता है, तो हम लोग सम का यूज कर सकते हैं। ओके, देयर आर मैनी फ्लावर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं पे बुके वगैरह दुकान में देखते हैं, बुके मीन्स फ्लावर्स का बुके होता है, ठीक है, उसमें 10-12 गुलाब या फूल लगे हुए, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या है, देयर आर मैनी फ्लावर्स। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज ओवर हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है। तो मैनी का यूज किया, मैनी मतलब हमको क्या है, पर्टिकुलर नंबर पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है उसको यूज करते हैं, ठीक है, फिर भी हमको पता चल जाएगा, हाँ हम काउंट कर सकते हैं उस चीज को। ओके, फ्यू क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का प्लूरल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है।